ओए, सब ठीक ठाक? चिट्ठियां लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता, फोन तो कभी करता ही नहीं। एक बात बता, तेरा मन नहीं करता कि जो एक बंदी बैठी है चंडीगढ़ में, कभी उसका हालचाल ही पूछ लिया जाए? बातें तो बड़ी करता था, लेकिन तू भी ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड किस्म का बंदा निकला। अच्छा सुन, तेरी पसंद की चीज भेज रही हूँ, बहुत मिस कर रही हूँ तुझको मैं। कब दिखाएगा अपनी शक्ल? वैसे आज 11 फरवरी है, तुझे याद भी है इस तारीख को क्या हुआ था? ओए सदारनी, मुझे ना सब याद है, भूल नहीं सकता। एक महीने से साथ घूम रहे थे एक ही ग्रुप में, और मैं कब से कोशिश कर रहा था कि तू कम से कम एक बार मेरी तरफ देख तो ले, लेकिन तूने तो घास ही नहीं डाली। हाँ भाई, इग्नोर मारने में तो तू बड़ी उस्ताद है, लेकिन मैं भी डटा रहा। हाँ, फिर पूरे एक महीने बाद 11 फरवरी 1995 को तूने मुझे देखा था, और मेरी तो वही घंटी बज गई थी जो अभी तक बज रही है। अब बोल, याद है कि नहीं? अरे उस दिन तो खुशी का मौका था, मैंने सनी को बुलाया, बोतलें तो खुलनी थी। सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल जी। कितने हुए? यहां से उठाई है ना, वहीं रख दो, निकलो यहां से। अंकल जी, फौजी वाले 10 रुपए का मन कर रहा है, पूरे पैसे दे रहे हैं। पैसे की हैसियत नहीं चलती यहाँ, फौजियों के लिए आई है। ओ अंकल जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं कल फौजी बनने ही वाला हूँ। सनी समझा, पेपर दे दिए। तो पहले फौजी बन, फौजी की आईडी लेके आ, फिर खरीद ले जो खरीदना है, भी चल यहाँ से। अंकल जी मेरी बात सुनो, आप तो ऐसे ही गुस्सा कर रहे हो, 10-20 ऊपर से ले लो, खत्म करो बात। ठहर जा, तेरे को मैं अंदर करता हूँ, रुक जा, प्यार से बात करो। अंकल जी मेरी शक्ल ठीक से देख लो आप, आजा बाहर निकालो ना, मैं कल मैं इसी दरवाजे से अंदर आऊंगा फौजी बनकर, और आप डट के सलूट करोगे, और मैं भी आऊंगा साथ में, ये भी, और तब तक मैं शराब को हाथ नहीं लाऊंगा। देख लिया? नहीं नहीं, ये क्या बोला तुमने यार, ये गलत बोल दिया तुमने, ये आपने क्या कर दिया अंकल जी। यार यार, बिना शराब के कैसे जिएंगे आप? फौजी शराब ना होगी।